हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज आगरा में हमारा पहला दिन है और पहले दिन में आज हम घूमेंगे आगरा फोर्ट। तो देखते हैं आगरा फोर्ट कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मेन गेट पर। यहां से हम लेंगे टिकट आगरा फोर्ट के लिए। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं, फॉरनर्स भी आते हैं यहां पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में टिकट है। एक टिकट 50 रुपये में मिला है और हम लोग 5 लोग हैं तो हमें 250 रुपये में टिकट मिला है। ये है आगरा फोर्ट की एंट्री। एंट्री गेट में आप लोग देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ये एंट्री गेट है और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। अमेजिंग। इतना पुराना किला है। बेहतरीन। देखो दोस्तों, आगरा फोर्ट स्टार्टिंग में जब आप एंटर करते हैं तो आपको कैसा दिखाई पड़ता है, ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। चलो भैया, थोड़ा बहुत पानी पी लिया जाए। दोस्तों, आगरा फोर्ट में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये है सामने का नज़ारा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। का जो एंटायरली एरिया है सर जी, वो 94 एकर्स है, 2.5 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। इधर से आइए। अच्छा। जिसमें से ये आगरा फोर्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। अच्छा। लेफ्ट साइड का जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ना, ये 75% एरिया इंडियन आर्मी के अंडर में है। अच्छा अच्छा। जो आगरा कैंटोनमेंट पार्ट है ना, छावनी, ये 25% एरिया सारा रेजिडेंशियल एरिया ओपन है, रॉयल पार्ट। अच्छा। जिसमें सारे पैलेसेस बने ना आपके देखने के लिए। तो जाने का होता है जहांगीर के महल से ब्रदर। अच्छा। पूरा डी शेप में विजिट करके इधर गेट से आने का होता है। सीरियसली बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखो मेरे पीछे, इवनिंग में मैं आया हूँ यहाँ पर। आगरा फोर्ट दोस्तों वाकई बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, इसीलिए यहाँ पर दूर दूर से लोग विजिट करते हैं, अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पर आते हैं। और जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये देखो काफ़ी बेहतरीन जगह है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिल रहे हैं आगरा फोर्ट में और काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट हमें देखने को मिले, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे सेल्फी क्लिक किए। और यहाँ पर आप जितनी यादगार सेल्फी क्लिक कर सकते हैं, उतनी शायद किसी दूसरी डेस्टिनेशन पर नहीं। अब यहाँ से देखो ताजमहल का नज़ारा भी आपको दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ से यमुना नदी भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा। अमेजिंग। वो रहा दोस्तों ताजमहल। थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजमहल। आगरा में आज हमारा पहला दिन था और पहले दिन हमने कवर किया आगरा फोर्ट। सेकेंड डे हम जाएंगे ताजमहल देखने के लिए। इस समय जो आप लोग ताजमहल देख रहे हैं, ये आगरा फोर्ट से आप लोग देख रहे हैं। मैंने इसे काफ़ी जूम किया है तब जाकर के दिखाई दे रहा है। ये देखो दोस्तों, आगरा फोर्ट भी किसी ताजमहल से कम नहीं है। देखो यहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं। अच्छा, यहाँ से जो पुराने राजा लोग होते होंगे वो देखते होंगे यहाँ से ताजमहल को। वाह भाई वाह।
मैं आपको दोस्तों सिर्फ यहाँ पर दृश्य दिखा सकता हूँ, काफ़ी बेहतरीन दृश्य है। यमुना नदी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और देखिए क्या बेहतरीन दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सब आगरा फोर्ट के अंदर है, रिमेम्बर। इसमें से आ जाओ, इसमें से चलते हैं दोस्तों। अब हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर से आपको नजारे को दिखाएंगे। मीना मस्जिद, इट्स अमेजिंग। यहाँ पर तो बहुत सारी पक्षी हैं। चमगादड़ नहीं है ये? नो। ये हम जब आगरा फोर्ट में सबसे ऊपर की तरफ चढ़े तो देखो कितना बेहतरीन नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से। प्लीज कीप डिस्टेंस फ्रॉम रॉली। और ये देखिए मस्त नज़ारा। ये एक तरीके से दोस्तों बाजार था जहाँ पर रानियाँ शॉपिंग करने आया करती थी आगरा फोर्ट में। आज से दिल पे मेरे। अच्छा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जेल खाना हो भाई साहब। और ये बंद भी है और इसमें से कुछ अजीब सी आवाज भी आ रही है। ये देखो, सुनो ध्यान से। ये है दोस्तों जेल खाना जिसमें राजा लोग, जो अपराधी था, उसको बंद कर दिया करते थे। और मेरे दोस्त कहाँ चले गए भाई? वो रहे। जिस प्रकार के नज़ारे मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली का लाल किला और आगरा फोर्ट, इन दोनों के कंपैरिजन में आगरा फोर्ट बेटर देन लाल किला। दिल्ली के लाल किले से बेहतरीन है ये लाल किला। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पर लोग अपनी प्रेमिका का नाम लिखते हैं। जनरली यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इसीलिए इस तरह की हरकतें यहाँ पर होती हैं। देखो काफी सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रेमिका का नाम लिखा हुआ है। ये क्या जगह है भाई, ये देखो। और जस्ट ये देखो, मतलब कई सारे दरवाजे, कई सारे गेट, भूल भुलैया टाइप मामला आपको दिखाई देगा यहाँ पर। इधर चलो, ये देखो। हजारों में किसी को तकदीर। भाई भूल भुलैया मामला है यहाँ पर। मिली है एक रांझा और हीर जैसी। वाह भाई वाह। गर्लफ्रेंड लेकर आओगे यहाँ? ले आओ भाई, अगर भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो। जगह है काफी अच्छी तरीके से। अंधेरी जगह है इसलिए लेकर आना चाहते हो? हाँ। मतलब गर्लफ्रेंड को हमेशा अंधेरी जगह पर ही लाया जाता है। गर्लफ्रेंड जो है अंधेरे में रखना चाहिए गर्लफ्रेंड को। क्यों भाई? क्योंकि वो अंधेरे में ही सही रहते है। सही क्यों रहती है अंधेरे में? कोई कारण, कोई लॉजिकल रीजन? लॉजिकल रीजन ये है, उसको घर से बाहर लेके आना दिक्कत ज्यादा होगी। क्या दिक्कत होगी भाई? क्या दिक्कत होगी पता नहीं भाई, लेकिन सब लोग मिल जाए। बड़े ही इडियट आदमी हैं ये भाई साहब। इनके जो तर्क हैं वो बिल्कुल इलॉजिकल हैं। अच्छा, हम भी कौन सा, हम भी तो पहली बार आ रहे हैं।
हाँ चलो वहाँ चलते यार। अभी हम कितना परसेंट घूम चुके होंगे वो भी भाई तुम्हारे हिसाब से? 100 तो नहीं घूमे अभी, तो काफी है। मुझे भी ऐसा लग रहा है काफी कुछ हमने मिस कर दिया है। नहीं तुम लोग कहना चाहते हो यहाँ से बाहुबली फिल्म यहीं पे रिकॉर्ड हुई थी? अगर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर सिटी बजा रहे हैं इसका मतलब हमें यहाँ से जाना चाहिए, समय हो चुका है किले से बाहर निकलने का। आगरा का लाल किला। फाइनली दोस्तों 6:30 बज चुके हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आगरा का फोर्ट वाकई बहुत ही अच्छा है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और 50 रुपये का टिकट लेकर के इसको विज़िट करते हैं, जब कभी भी आप लोग यहाँ पर आगरा में आएँ तो आगरा फोर्ट ज़रूर घूमें, काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आने का मतलब है आप लोग एक नई नई यादें अपने साथ लेकर जाते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं। अकबर ने बकरा प्रॉपर अकबर।